हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं हम हरे भरे पेड़ पौधों के नीचे हैं, चारों तरफ हमारे हरियाली हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं इको पार्क कोलकाता में और यहां के नज़ारों को हम रूबरू करा रहे हैं आपको। ये देखिए, यहां पे बोटिंग होती है और यहीं पे आप आकर के बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पानी, और ये देखिए मूर्ति बना हुआ है, कितने ही लाजवाब हैं ये। और ये पानी की सतह को हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने ऊंचे हैं, और इसी के ठीक ऊपर में ये हरियाली देखिए और सामने मूर्ति देखिए बनी हुई है, और हरी भरी पार्क है ये। यहाँ के नज़ारों को देख करके आपको बड़ी ही आनंद आएगा। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे, घर को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, और ये देखिए एफिल टावर इको पार्क में बनाया गया है। देखिए आप, बहुत ही लाजवाब तरीके से हूबहू बनाया गया है पार्क में। बहुत से सुविधा है यहाँ पे, बहुत ही क्षेत्रफल में बनाया गया है इस पार्क को। इस एक कोने से दूसरे कोने में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब एरोप्लेन ऊपर से गुजरती हुई हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी के बगल में एयरपोर्ट है और वहीं से उड़ान भरती है। और यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप देखिए, तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं रेस्टोरेंट यामो, जो यहाँ पे फास्ट फूड की कुछ आइटम भी मिलती है खाने पीने को। और इको पार्क ऑफिस है ये, यहाँ पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बगल में टी स्टॉल भी है और यहाँ बगल में कुछ खाने पीने की भी सुविधा है। और इसी के ठीक बगल में ये देखिए जाने का रास्ता है, और यहाँ पे घूमने की बहुत ही अच्छा है लायक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्क को आज बनाया गया है। आप आइए यहाँ पे और घूमिए, बहुत ही आनंद आएगा। और हम बता सकते हैं आपको अनुभव से कि एक दिन में ये पार्क आप नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि इतनी ही क्षेत्रफल में ये है, सो आप नहीं घूम सकते हैं। और पानी के बीच में ये देखिए बनाया गया हिरन को, हिरन को बनाया गया है। और ये देखिए पांडा है, और ये जो पानी में रहता है उसको बना के हरे रंग से, घास फूसों से इसको बनाया, मतलब बना के अच्छे तरीके से रखा गया है। ये देखिए मोर, मोर को भी हरे रंग से बनाया गया है, रंग से नहीं घास भूसे से। और ये अब देखिए बांस को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बांस भी कितने लाजवाब हैं। आपको बहुत से चीज़ नए नए देखने को मिलेंगे। और ये रहा आपका केले के पेड़, बहुत सारे केले के पेड़ हैं यहाँ पे। और ये देखिए केले के पेड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से रखा गया है। और मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, और यहाँ पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, घूमने आए हैं, घूमने आए पढ़ते हुए। ये आप देखिए जामुन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ नहीं है यार, अभी जामुन का पेड़ है। बरगद का पेड़ अभी आगे मिलेगा आपको, हम वो भी दिखाएंगे आपको बरगद का पेड़ कि हमारे गांव में बरगद का पेड़ कैसा हुआ करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कोलकाता सिटी के यूको पार्क में, कोलकाता इधर ममता दीदी, ये ममता दीदी का इलाका है, डरने का नहीं। ओ भाई, पैर तो धौस होता हो, ऐसे नहीं बोलता है तो पैसे बोलता है। अरे ओ दादा, पैर कैसे धसता है ओ दादा? इधर मेरे गांव में बारिश हुआ है ना, इसीलिए धसता है। ओ मेरे को नहीं पता, यहाँ ओ देखो यहाँ पे फुहारा होता, देखो मैं को जाता है इस समय। हमारे चौनों दादा पानी में भींजता, अरे मेरे को मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है पानी में नोई के भींजता, लेकिन फुहारा वाला पानी में भींजता, मजा मजा आता, मजा। देखो इसे के ऊपर में एक
फुहारा जो पानी छोड़ता है ना। आप इसे देख सकते हैं, ये बुलंद दरवाजा का ये दूसरा टू कॉपी है। देखिए क्या बेलूर मठ है ये, सॉरी ये आप देखिए, ये बेलूर मठ का ये टू कॉपी है। आप ये देखिए बेलूर मठ का ये टू कॉपी देख सकते हैं, हमारे कोलकाता शहर में है। आप आइए और यूको पार्क में घूमिए और यहाँ पे बेलूर मठ का आनंद लीजिए। आप यहाँ पे देखिए घड़ा से पानी गिरती उसके बाद फूल भी यहाँ पे खिलती और हमारे चंदन बाबा फोटो खींचती खिंचाती। और ये आप देखिए तुलसी का पेड़ होती, ओ मैं बच गई नहीं तो गिर जाती।